हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस्टर राकेश कुमार, मैं टीचर। मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी ऑन हैप्पी हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट इस वीडियो में लेके आए, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और उसके रूल रेगुलेशन एक्सपोनेंट के हैं वो चेक करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। आपने क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट फॉर्म क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। अब यहां देखिए, पार्ट है मेरे पास फर्स्ट, ये हमारा 2/3 टू दी पावर 5, सॉरी 3, टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 3। अब ये जो फॉर्म है हमारी, ये नोटेशन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? नोटेशन। फिलहाल ये जो फॉर्म है ये नोटेशन फॉर्म है। अब इस नोटेशन फॉर्म को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है। नोटेशन फॉर्म को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं? अब जैसे है मेरे पास 2/3, अब न्यूमरेटर में 2 है, डेनोमिनेटर में 3 है। अब दोनों की जो पावर है वो 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, ठीक है जी। तो 2/3 टू दी पावर 3, इसको अलग अलग लिख लिया हमने। अब इसका मतलब क्या है? 2 क्यूब है। 2 क्यूब का मतलब क्या है कि 2 है वो 3 टाइम्स है। तो 2 को 3 टाइम्स लिख लिया जाए, 2 × 2 × 2 अपॉन 3 को 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 × 3 × 3। तो ये जो नजर आ रही है ये आपकी प्रोडक्ट फॉर्म है, ये आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म। तो ऐसे हमने नोटेशन फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। ये हमारा नोटेशन फॉर्म है और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे प्रोडक्ट फॉर्म से आपको नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोटेशन फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, फोर्थ पार्ट है 2/7 टू दी पावर 5, ये हमारा नोटेशन फॉर्म है। अब इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आए तो पहले तो इसकी पावर न्यूमरेटर को अलग कर लीजिए, डेनोमिनेटर को अलग कर लीजिए। अब ये 2 टू दी पावर 5 या 2 raised to the power 5 अपॉन 7 टू दी पावर 5। अब इसका मतलब क्या है कि 2 है वो 5 बार लिखा जाएगा गुणा में। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हमारा 5 टाइम्स, ये प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसे ही 7 है उसको भी 5 टाइम लिखेंगे, 3, ये भी हमारा 5 टाइम्स। तो ये 2/7 to the power 5 ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया, ये है हमारी प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसे हमने नोटेशन फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में आना है, समझ रहे हैं? ये नोटेशन फॉर्म थी हमारी, ये प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन में आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन पावर नोटेशन। अब इसमें प्रोडक्ट से हमने नोटेशन फॉर्म में आना है, तो जैसे क्वेश्चन सेकंड है हमारा, फर्स्ट पार्ट की लिखो गए 5π-3 इंटू 5π-3 क्रॉस 5π-3, ये है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म इसको हमने कन्वर्ट करना है नोटेशन फॉर्म में, तो नोटेशन फॉर्म हमारी क्या बनेगी, ये देखिए 5 है वो 3 टाइम्स है, ऐसे ही 3 टाइम्स है, तो 5 × 5 × 5 अपॉन -3 × -3 × -3, तो 5 3 टाइम्स है तो इसको 5 क्यूब लिखेंगे, ऐसे ही -3 है वो 3 टाइम्स है, इसको भी 3 लिखेंगे, तो ये हमारा ऐसे 5π-3 × 3, ये हमारा नोटेशन फॉर्म है, ये हमारा नोटेशन फॉर्म है, नोटेशन फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म से हमने नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब सेकंड और फिफ्थ थर्ड दोनों ही पार्ट प्रोडक्ट फॉर्म में है, इनको नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, तो 4 देख लीजिए सेकंड पार्ट में 4 कितने बार है, कितने टाइम्स है, तो उतने ही पावर लगा दीजिए, ऐसे ही 5 आपका 5 कितनी बार कितने टाइम्स है, तो 5 × 2 जो भी जितने टाइम की है उतनी पावर लगा दीजिए, तो आपका नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर, एज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट है, रेशनल नंबर के रूप में व्यक्त करना है 4π है 2⁶, तो ये है हमारी नोटेशन फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, नोटेशन फॉर्म। अब नोटेशन फॉर्म से हम प्रोडक्ट फॉर्म में जाएंगे, और प्रोडक्ट फॉर्म में जो फाइनल आंसर होगा वही हमारा रेशनल होगा, तो आप इसको आगे हल कीजिए, तो 4² 6 5² 6 4² 6 का मतलब है 4 है तो कितनी बार है, 6 टाइम, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 1 2 3 4 5 6 6 टाइम हो गया, ऐसे ही 5 आपका 6 टाइम, 4 5 टाइम और ये 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका ये ऊपर वाला आ जाएगा 64 की गुना 4 × 16 4 × 24 25 6 × 24 6 × 36 और 2 × 38 6 × 5 = 9 = 10 4096 आ जाएगा आपका 4096। इनकी सभी की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका E आएगा। अब ऐसे ही नीचे वाला पार्ट हल करेंगे, तो यहां तक आपका 125, ये भी 125। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहां देख लीजिए 5 × 25 = 10 × 12 5 × 5 = 6 और फिर है हमारा 2 × 5 = 10 2 × 4 = 5 2 × 2 फिर 1 × 5 = 2 = 1 5 × 2 = 16 9 × 4 = 5 = 1 15625, ये आएगा आपका 15625। ऊपर वाला हमने 4 × 16 = 64 64 + 16 = 24 25 6 × 24 6 × 36 = 38
9, 6, 10 ये सही है। तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा है एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो ऐसे हमने रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा नोटेशन फॉर्म में था, नोटेशन फॉर्म से हमने रैशनल नंबर में बनाना है। तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में ले लीजिए और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल किया। अब क्वेश्चन नंबर फोर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर फोर में है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर पावर नोटेशन। इसको पावर नोटेशन के रूप में यूज करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन, इन पावर नोटेशन, पावर नोटेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। अब मैं एक पार्ट लेके चल रहा हूं, थर्ड फोर्थ पार्ट लेके चल रहा हूं। तो -625 / -256 इसको हमने पावर नोटेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, अपना बनता है 625 / 256। अब 625 के फैक्टर करके देखो, तो 625 के फैक्टर करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 × 5 = 10 × 25, फिर 5 से जाएगा 5 × 10 = 25, फिर 5 × 6 = 25, फिर 5 × 1। तो इसके फैक्टर जो बने हैं वो 5 × 5 × 5 × 5 फोर टाइम्स बने, 1, 2, 3, 4। अब ऐसे ही हम 256 के टुकड़े करेंगे तो 2 से जाएगा ही, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, और फिर लिखेंगे इसको 2 × 6 = 2, 2 × 32 और 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2 और 2 × 1। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4। हमने न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर को सेम पावर के रूप में लिखना है, न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर को सेम पावर के रूप में लिखना है। तो 5 को हम लिखेंगे 5 × 4, लेकिन यहाँ 256 है, ठीक है। तो 256 के अगर फैक्टर देखे जाए तो ये भी बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम ने किसमें करना है, इसको पावर नोटेशन में करना है। तो पावर नोटेशन में करने के लिए हमने क्या किया, अगर 2 की पावर देखें तो 2 की पावर होता है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 8 होता है, लेकिन यहाँ हमने न्यूमेरेटर की पावर 4 बनी हुई है। तो इसको 4 में बदलने के लिए 4 × 4 लेना पड़ेगा, यानी जोड़े बना लेंगे 4 × 4 = 4 लिखेंगे। यहाँ 4 × 4 = 4, 4 × 16 = 16, 64 × 64 = 256, ऐसे ही 25, 25 × 125, 125 × 200, 625, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको नोटेशन में लिखा तो 5 × 4 और 4 × 4, लास्ट में लिखेंगे 5/4 × 4। तो ये है हमारा नोटेशन फॉर्म, NOTATION, नोटेशन फॉर्म। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नोटेशन फॉर्म में लेके आना है। तो नोटेशन फॉर्म में लेके आने के लिए ये हमारा तरीका है, इसको हम फैक्टर के रूप में लिखें, और फैक्टर के रूप में लिखने के बाद एक बात ध्यान रखें, न्यूमेरेटर की जितनी पावर है उतना ही हमने डेनोमिनेटर में यूज करना है। तो यहाँ 4 × 4 ही लेना है, -2 × 8, ठीक है। तो ये हमारा नोटेशन फॉर्म है। तो क्वेश्चन फोर्थ हमने इसमें हल किया, ऐसे ही बाकी पार्ट हल करेंगे।
अब क्वेश्चन फिफ्थ में आइए। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है? क्वेश्चन फिफ्थ कहता है हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं? अब हमने क्वेश्चन दो पार्ट खोल करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं -6/7 टू द पावर 2 क्रॉस टू द पावर 3/3 करो 7 to the power -4 into 3/2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब इसको हमने, ये है नोटेशन फॉर्म में, तो नोटेशन फॉर्म में है, तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा -6 into -6। अब ये बनता है हमारा 7 into 7, यहां लगा लेते हैं। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे 2/3 टाइम्स लिखेंगे। ये है हमारा 7/-4, ये है 3/2। ये नोटेशन फॉर्म में था, इसको मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में, ये नोटेशन फॉर्म में है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में, इनको एज इट इज। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 2 6, 3 2 6, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ठीक है। अब यहां चेक करते हैं, -4 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस यहां 2 आ जाएगा आपका, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपकी, और ये 2 भी आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करें तो 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा हुआ है, और हमारे पास 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे हमने जितना कैंसिल हो पाता है, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो पाएगा, और क्या बचा हुआ है, और है हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में -2 है ऊपर, इनटू में 2 है, और नीचे देखा जाए तो 7 है, और कुछ नहीं है हमारे पास नीचे वाले पार्ट में। तो ये हमारा 2 2 4, तो -4/7, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। यहां ध्यान रखें कि माइनस माइनस ऊपर नीचे अगर माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनको चेक करना है, तो ऐसे ही एक पार्ट और देखते हैं। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में है 4+8/3/2 to the power 2। तो यहां हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या हल करते हैं, यहां देखिए, अब बोर्ड मास जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले यहां पावर हल कीजिए, तो 4+8/ यहां पावर हल करते हैं हम, ये ब्रैकेट है, तो पावर हल करेंगे तो यहां आएगा 9/4, ठीक है। अब उसके बाद हम ब्रैकेट हल करते हैं, सबसे पहले काम ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हल करोगे तो आपका ये ब्रैकेट हल हो जाएगा, इसके अंदर वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो आपका 12 हो जाएगा।
12 डिवाइड बाय 9 बाय 4। अब इसके बाद हमने ऑफ एनएक्स में अब डिवाइड हल करेंगे, तो डिवाइड है आपका तो 4 डिवाइड है तो पलट के आप क्रॉस लगा के 4 बाय 9 बना सकते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले पावर को हल करेंगे, पावर को हल किया तो 9 बाई 4, उसके बाद हमने गुड मास यूज किया तो ब्रैकेट हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो प्लस हो गया, 12 आ गया, 12 के बाद 12 डिवाइड बाई 9 बाई 4 है, फिर डिवाइड कर बनाते हैं तो डिवाइड में आपका ये, अब इसको चेंज कर देंगे पलट देंगे तो आपका 4 बाई 9 ये कैंसिल, 9 3 3 9 3 4 12 4 4 16 बाई 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने गोल्ड मास की जरूरत तो वो यूज कर और हमने नोटेशन वगैरह को प्रोडक्ट फॉर्म में करना है वो यूज करो, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेस रेशनल नंबर ऑफ द पी बाई क्यू, एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, ऑफ द पी बाई क्यू फॉर्म पी बाई क्यू, P by Q की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है, रेशनल नंबर को हमने P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैं क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट खोल करता हूं, तो सेकंड पार्ट में आप देख लीजिए 17/2 टू द पावर 2 इंटू 16/32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहले नोटेशन हल करते हैं इसकी, पावर नोटेशन हल करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आए इसको, तो 17/2 इंटू 17/2 इंटू 16/30, इसको हमने नोटेशन को हमने नोटेशन फॉर्म को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिया, फिर ये 16/32 को भी आ गया इसके साथ में। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, कैंसिल होता उतना कैंसिल करेंगे, ये हमारा 16 1 16 16 2 32, इसके अलावा ये कैंसिल नहीं हो पाता, तो 17 × 17 × 1 विच इज 2 × 2 × 2, तो ये आपका 289, ये 2 2 4 4 2 8, तो ये आपका रेशनल नंबर है पी बाई टू, तो फॉर्म ऑफ पी बाई टू, ये आपकी फॉर्म ऑफ पी बाई टू की फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे हमने रेशनल नंबर को पी बाई टू की फॉर्म में ले लिया, तो कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ऐसे हल करेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को इसी में हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी है, फाइंड द रेसिप्रोकल करना है, बिल्कुल इजी है, -2/7³। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को नीचे लिए डेनोमिनेटर को ऊपर ले देते हैं, ये आपका चेंज हो जाएगा तो फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल की फॉर्म है आपकी 7/-2³। हमने रेशनल नंबर को चेंज करना है, पलट देना है, न्यूमेरेटर का डेनोमिनेटर बना दे, डेनोमिनेटर का न्यूमेरेटर बना दे, तो आपका वो रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी पार्ट हो सेवंथ में, जैसे मेरे पास 5th पार्ट है
टू वाई माइनस टू टू दी पावर टेन। अब इसमें पी बाई टू की फॉर्म नहीं है तो इसको कैसे बनाए, वन बाई माइनस टू बना, वन बाई माइनस टू टू दी पावर टेन ऐसे बना, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म। वैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 के 7 क्वेश्चन हल किए हैं और आप बाकी जो क्वेश्चन 8 से 12 नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डाल दिए जाएंगे।